हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियर के फोर्थ लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवे सिस्टम। रेलवे इंजीनियर का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिगार्डिंग ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी एग्जामिनेशन के लिए तो जो जरूरी है ही। इस लेक्चर में हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे फर्स्ट रेलवे के बारे में और इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और कहाँ से हुई, और साथ ही साथ हम 1844 से लेकर 1950 तक जो भी इवेंट्स थे ईयर वाइज उसे ब्रीफली पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवे सिस्टम। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया हैज़ पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़। रेलवेज़ की इंट्रोडक्शन से पहले इंडिया में जो कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन की सिचुएशन थी वो काफ़ी बुरी या पुअर थी। इंडियन रेलवेज़ इंट्रोड्यूस इन द 19th सेंचुरी इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। इंडियन रेलवेज जो थी वो 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं सदी में इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, जो कि पीरियड था लॉर्ड डलहौजी का। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज़। उन्हें जो है इंडियन रेलवेज़ का फादर भी कहा जाता है। दी मेन एम ऑफ रेलवेज़ इन इंडिया एट दैट टाइम वॉज टू प्रोवाइड बेनिफिट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस समय रेलवेज़ का जो मेन मकसद या फिर एम था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेनिफिट प्रोवाइड करना था। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट फर्स्ट ट्रेन। अभी हम फर्स्ट ट्रेन के बारे में जानते हैं। दी फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वॉज रन ऑन 16 अप्रैल 1853 बिटवीन मुंबई, जिसे कि पहले समय में बॉम्बे कहा जाता था, एंड दी थाने, विद 4 कोचेस एंड 1 स्टीम लोकोमोटिव। कोचेस होता है जिसमें कि पैसेंजर या फिर जो हम सामान को मूव करते हैं ट्रैवल करता है, और स्टीम लोकोमोटिव जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इसे स्टीम लोकोमोटिव कहेंगे हम। डिस्टेंस कवर्ड 34 किलोमीटर्स, 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था फर्स्ट ट्रेन ने, जिसे कवर करने के लिए उसे टाइम लगा था 4 आवर्स यानी कि 4 घंटे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी। द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन ब्रिटेन बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन अगस्त 1849। जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी थी वो इनकॉर्पोरेटेड थी ब्रिटेन में बाई द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन अगस्त 1849 के अकॉर्डिंगली। बिल नंबर ऑफ रेलवे लाइन्स इन इंडिया कॉन्ट्रैक्टेड विद इंडियन गवर्नमेंट। जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी का जो मेन काम होता था वो होता था रेलवे लाइन्स को कंस्ट्रक्ट करना। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि वो इंडिया में अलग अलग रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करेगी। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इवेंट्स। अभी कुछ इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के। इसके रिगार्डिंगली आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1844 से। 1844 फर्स्ट रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रपोजल इन इंडिया सबमिटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय मिस्टर आर एम सैमसन। 1844 में रेलवे कंस्ट्रक्शन का जो फर्स्ट प्रपोजल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सबमिट किया गया था मिस्टर आर एम सैमसन के द्वारा। 1849 फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल लाइन्स ऑफ 160 किलोमीटर्स अंडरटेकन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। 1849 में फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था एक्सपेरिमेंटल लाइंस को क्रिएट करने के लिए, जो कि 160 किलोमीटर्स की थी। वो कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1850 इंडियन पेनिनसुला रेलवे स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे फ्रॉम मुंबई टू कल्याण। जैसे कि इंडियन पेनिनसुला के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन थी, इनका काम था कि रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करना। इन्होंने 1850 में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी रेलवे की मुंबई टू कल्याण तक। 1853 32 किलोमीटर्स लॉन्ग रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाना वाज ओपन। जैसे कि फर्स्ट ट्रेन का हमने पीछे इवेंट पढ़ा उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। 1853 में 32 किलोमीटर्स लॉन्ग रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाना जो थी वो ओपन कर दी गई थी। 1854 39 किलोमीटर्स लॉन्ग रेलवे लाइन बिटवीन होबरा एंड हुगली वेस्ट बंगाल वाज ओपन। 39 किलोमीटर की लॉन्ग रेलवे लाइन बिटवीन होबरा एंड हुगली जो थी, जो वेस्ट बंगाल में है, वो ओपन कर दी गई थी। 1855 to 60 इस जो टाइम पीरियड था इसमें काफ़ी रेलवे कंपनी जो इस्टेब्लिश की गई थी, जिनमें से कुछ कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, द ईस्ट इंडियन रेलवे, द मद्रास रेलवे,
दी साउथ इंडिया रेलवे, ईस्टर्न बंगाल रेलवे सेक्ट्रा, और भी कई जो रेलवे कंपनीज थी जो स्टेबल हुई थी। 1862 फीडर लाइन से नॉर्थ इंडिया वाज कंस्ट्रक्टेड, नॉर्थ इंडिया में फीडर लाइन कंस्ट्रक्ट की गई 1862 में। 1868-81 इंडियन रेलवे लाइन लेंथ रीच्ड अप टू 646 किलोमीटर, तब तक जो इंडियन रेलवे लाइन की लेंथ थी वो 646 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी। गवर्नमेंट स्टॉप्ड गिविंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड टुक ओवर इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवे कंस्ट्रक्शन, तब गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो उन्होंने दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए बंद कर दिए, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रेलवे कंस्ट्रक्शन की वो अपने ऊपर ले ली, वो खुद ही कंस्ट्रक्शन उन्होंने शुरू कर दी। 1879-80 टोटल लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे रीच्ड अप टू 14,920 किलोमीटर्स, तब तक हमारी जो रेलवे लाइन की लेंथ थी वो 14,920 किलोमीटर तक हो चुकी थी। दी फेमाइन कमीशन रेकमेंडेड कंस्ट्रक्शन ऑफ 8,000 किलोमीटर्स ऑफ न्यू रेलवे लाइन टू प्रोटेक्ट कंट्री फ्रॉम फेमाइन। फेमाइन मीन्स होता है स्कैरसिटी ऑफ फूड, यानी कि फूड की कमी हमारे देश में तब तक हो चुकी थी, जिसको दूर करने के लिए फेमाइन कमीशन ने रेकमेंडेशन दी थी कि न्यू रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट की जाए जिसकी लेंथ होगी 8,000 किलोमीटर्स। 1890 इंडियन रेलवे एक्ट हमारा पास हुआ। 1901 रेलवे लाइन लेंथ रीच्ड अप टू 39,603 किलोमीटर्स, तब तक हमारी जो रेलवे लाइन की लेंथ थी वो 39,603 तक पहुंच चुकी थी। मिस्टर थॉमसन रॉबर्टसन वाज अपॉइंटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन के लिए मिस्टर थॉमसन रॉबर्टसन को अपॉइंटेड किया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। 1905 रेलवे बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारी रेलवे बोर्ड इस्टेबल हुई अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। 1907 मके कमेटी वाज सेटअप टू स्टडी प्रॉब्लम्स इन रेलवेज, ये कमेटी जो है वो सेटअप की गई थी कि रेलवे में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसे स्टडी करने के लिए, उसके सोल्यूशन ढूंढने के लिए 1907 में। 1908 रेलवे बोर्ड फिर से रीऑर्गेनाइज की गई। 1940-21 इंडियन रेलवे लेंथ रीच्ड अप टू 56,456 किलोमीटर्स, तब तक हमारी जो रेलवे लाइन की लेंथ थी वो 56,000 प्लस हो चुकी थी। दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार पीरियड, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का पीरियड था, दैट वाज वाई सम स्ट्रेटेजिक लाइंस वायर कंस्ट्रक्टेड, वर्ल्ड वार के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक लाइंस क्रिएटेड की गई थी, उनकी लेंथ जो उनकी लेंथ की वजह से जो हमारी ओवरऑल इंडियन रेलवे लाइन की लेंथ इंक्रीज हुई थी। 1922 रेलवे बोर्ड वाज ऑर्गेनाइज्ड अगेन, रेलवे बोर्ड हमारी फिर से ऑर्गेनाइज्ड हुई 1922 में। 1923 नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे स्टार्टेड, 1923 में हमारे इंडियन रेलवे सिस्टम का नेशनलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। 1925 गवर्नमेंट टुक ओवर द चार्ज ऑफ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला ईस्ट इंडियन रेलवेज, गवर्नमेंट ने जो था वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला से जो है सभी रेलवे सिस्टम का चार्ज जो है अपने अंडर ले लिया था। 1929-30 टोटल लेंथ ऑफ रेलवेज वाज 66,358 किलोमीटर्स विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 856.7 करोड़। 1929-30 के बीच में जो हमारी लेंथ थी वो 66,000 किलोमीटर्स प्लस हो चुकी थी, जिसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी 856.7 करोड़। 1932-36 इकोनॉमिक डिप्रेशन पीरियड ऑफ इंडिया, 1930 से लेकर 36 तक हमारी जो कंट्री थी इंडिया उसका जो इकोनॉमिक डिप्रेशन पीरियड शुरू हो गया था, यानी कि इकोनॉमिक हमारी गिरने लगी थी। 1937 बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया ड्यू टू 3,200 किलोमीटर रेलवे लाइंस वाज कटेल्ड, 1937 में बर्मा हमारे जो इंडिया देश से है वो अलग हो गया था, जिसकी वजह से 3,200 किलोमीटर रेलवे लाइन जो बर्मा में थी वो हमारे इंडिया से बाहर हो गई, जिसके कारण हमारी ओवरऑल लेंथ भी कम हो गई। 1939-47 टोटल लेंथ 65,850 किलोमीटर नाउ, अब हमारी जो लेंथ थी अब सिर्फ 65,000 प्लस ही बची थी। दिस इज़ ऑल्सो पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार एंड वार ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड वार इस्टेब्लिश्ड इन 1942 में
हमारी जो वार ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड थी वो स्टेबल हुई थी, और ये सेकेंड वर्ल्ड वार का पीरियड था। बंगाल फेमाइन क्रिएटेड अनदर प्रॉब्लम फॉर रेलवे बोर्ड इन 1943-44। बंगाल में भी फेमाइन जो है वो क्रिएट हो गया था, स्कैर्सिटी ऑफ फूड की कम जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, जो कि एक रेलवे बोर्ड के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी 1943 से लेकर 44 के बीच। 1947-48 ड्यू टू पार्टीशन ऑफ इंडिया द टोटल लेंथ ऑफ रेलवेज डिक्रीज्ड 253,707 किलोमीटर्स। 1947-48 जो कि हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस ईयर था, जब हमारा इंडिया जो है आज़ाद हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तब हमारे जो इंडिया के दो पार्ट हो गए थे जिसमें से एक पाकिस्तान और एक इंडिया बना, तब कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण हमारी जो रेलवे लेंथ बची 53,000+ किलोमीटर्स। 1949-50 इंडियन गवर्नमेंट टुक ओवर द चार्ज ऑफ ऑल रेलवे एस्पेक्ट सम प्राइवेट कंपनीज। 1949-50 के बीच में हमारी गवर्नमेंट ने जो सभी रेलवेज के चार्ज अपने अंडर ले लिए, लेकिन उसमें से कुछ सम प्राइवेट कंपनी भी थी जिसका चार्ज उन्होंने नहीं लिया, उसके अलावा सभी जो रेलवे लाइंस थी वो अपने अंडर टेकन कर ली उन्होंने। 1950 जोनल ग्रुपिंग ऑफ रेलवेज वाज डन। 1950 में रेलवे की जो है जोनल ग्रुपिंग कर दी गई, जिसके अंडर अलग अलग सेंटर ऑफ रेलवे के बना दिए गए अलग अलग स्टेट्स में। तो यहाँ पर ये इवेंट ख़त्म होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिगार्डिंगली कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। और साथ में इस लेक्चर के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप नोट्स को पढ़ भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। रेलवे इंजीनियर के सभी प्रीवियस लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की है, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर क्लिक करके आप सभी रेलवे इंजीनियर से रिलेटेड लेक्चर्स हमारे देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रैक अलाइनमेंट के बारे में। उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।